क्या बात है, सबके सब ब्लैक में बैंक लूट के आ रहे हो क्या आप? एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल पाजी दो लोगों के विचार ही आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये लोग चार हैं, और चारों के चारों बड़े क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने सब ने कैसे डिसाइड किया सर साथ में काम करने का? सर हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मिलते? बिल्कुल। कैसे आप कैसे मिले कैसे आप? पर टी शर्ट मिलती है बस। वैसे कब शुरू हुआ था फैंटम? नाम तो हम लोगों का बाद में आया। विकास प्रोड्यूसर थे जब मैंने देवडी बनाई थी जी। विक्रम ने उड़ान बनाई थी, हमने प्रोड्यूस की थी, और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और किसी कारणवश हो नहीं पाई उस समय। ओके। तो हमारा ये था कि कुछ पिक्चर हम बना पा रहे थे जी, पर बहुत सारी पिक्चरें थी जो हम नहीं बना पा रहे थे। तो हमने सोचा अभी जो भी हमको गलती करनी है या ठीक करना है, मिलके करना है साथ में। और इसी चक्कर में एक दिन हम लोग मिले, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग तो करने नहीं दे रहे, तो अब अपना ही पैसा डुबाते हैं। तो हमारे पास डुबाने के लिए ज़्यादा था नहीं, पर हम सब साथ मिल गए। उस चक्कर में मधु आए। आपको पता है सिद्धू पाजी, अनुराग पाजी लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। विकास भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई इन्होंने खुद ही लिखी थी और इन्होंने डायरेक्ट भी की। विक्रम भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मधु जो है, मुझे मधु को देख के ऐसा लगता है कि पैसे का लेन देन यही करते होंगे। मेरे को सवाल जानना है एक पाजी, कि आपने ये सारे काम मिल बांट के रखे हैं, मेरे ख्याल से आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ऑफिस जब कोई जाता है ऐसे घंटी में जाता है, उसके लिए अलग आदमी की आप चारों में से कोई दरवाजा खोलता है? वो तो अलग होंगे टीम। हमने दो तीन पिक्चरें बनाई पिछले साल जिसको हम डायरेक्ट करना भूल गए, तो जैसे वेलवेट शानदार। फिर उस साल ना हम दोनों सिर्फ दरवाजा खोलते और चाय पिलाते हैं। आपको पता भाजी, अनुराग भाई ने ना एक फिल्म में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, गैंग ऑफ वासेपुर। एक महीने का इंटरवल था भाजी उसका, पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में उन्होंने 5.5 घंटे की फिल्म बनाई, फिर वो दो पार्ट में दिखाई। भाई आपने जानबूझ के लंबी बनाई थी कि चलो सेंसर ने तो काट ही देनी होती मेरी फिल्म। आपको सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ, ये मुझे एक साल बाद पता चला। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसके बाप का खून हो गया, और वो बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर अपने बाप के खून का बदला लूंगा? तो बड़ा होता है, बीच में उसको इश्क हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको बदला लेना है, एंड में वो मर जाता है। ये कौन सी पिक्चर बनाता है? वाकई। और वहां पे बदला नहीं लिया गया मनोज वाजपेयी जी से, फिर इन्होंने सोचा यार ये तो ये हो गया, फिर बोला चल नमाज तू रेडी रहे, दादा का बदला, भैसल का बदला, बाप का, दादा का, सब फिर उन्हीं से बदला। स्ट्रेटजी कमाल की है सर। अच्छा विक्रम, आपने एक फिल्म बनाई थी लुटेरा, बड़ी कमाल की फिल्म थी, और इन्होंने लिखने में 6 साल लगाए उसको, तो आपकी टाइप करने की स्पीड कम थी कि बंदा मतलब इसके पीछे क्या कारण था? मैं जल्दी लिखता हूँ, लेकिन अनुराग जो डायलॉग लिखते हैं ना वो बहुत बहुत ही स्लो लिखते हैं। मतलब आप उन पे बिल फाड़ रहे हैं। अच्छा भाई, उस लुटेरा के बाद आपने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। ये बॉम्बे वेलवेट और शानदार के प्रोड्यूसर हैं, इनसे मिलिए। अच्छा मधु, आपने खुद को काफी मेंटेना किया हुआ है अपना। जैसे साउथ में तो पाजी बड़े लड़कों के नाम मधु होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते, तो आपको कभी ऐसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं आई हाय दिस इज राजेश 24 मेल? बहुत आते हैं, अभी अभी शादी हो गया। तो वो भी बात। एक दिन मेरे घर पे 3 लोग आ रहे थे। अच्छा। मधु, शीतल और भावना, सब लोग बहुत ही वेट कर रहे थे कि ये 3 लड़कियां घर आ रही है। शीतल इससे भी भयानक। भाजी मैं ना एक लोकल सिटी केबल के ऊपर एक प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें हम लोग अलग अलग मुद्दों में बातचीत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका हिस्सा बने। मुद्दा है महंगाई, सो जल्दी सिटी केबल का फ्रेम मंगाया जाए। तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है।
दोस्तों आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5-स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ठीक है सर। I like your films. You make good cinema. Yeah. Thank you. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो dim light जब रखते हैं ना किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। And because your films are dark, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए from a doctor member. I have a question. If you don't mind, ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं लीक हो गई ना इसलिए पूछ रहा हूँ। ये तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। ओके आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। इधर बैठ गया। बैठ रहे हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो? और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चो में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। तो आज की बहस शुरू करते हैं। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, मैं मुजरा शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। फटाफट नमस्ते वस्ते निकलिए, इधर बैठिए, चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है। कपिल उधर बैठिए। ये नाम कैसा हुआ भाई, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं आप नो चोपड़ा। एक नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक बैठता है। मैं मान बट मैं बट तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। लाहौर वाला कुंवर, ये क्या सुन रहे हैं? जो बोल रहे हैं भाई सुन रहे हैं? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या दो कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप। आप होते कौन है हम पर निलानी रखने वाले? निलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला निलानी होता है ना। आजकल सारी निगरानी पहला निलानी रखते हैं। शरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए, क्योंकि जैसे बात इन्होंने की है ऐसे बात बनती है। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना, लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये हमारे साथ बहस करने आए कि आपस में बहस करने आए? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर मारा तो करोड़ों लगता नहीं, हम मेरे पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि दो के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे सर, मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी, इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला मेरी लगी मैं इतनी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है, पिक्चर जैसा भी हो पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है, उसके बाद पिक्चर देखो अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है, पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर, यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पहले पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा, 10 रुपए का पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकती है? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है, फिल्म आप बनाते हैं काटता कोई और है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को हम ये कहना चाहेंगे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी है चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन, एज अ डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। कल तो बकवास कर लिया। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझा ना दे तो कहना। काम से लुची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। लेडी के ऊपर जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।